केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ दिल्ली से सांसद रमेश भिदुड़ी तथा गुड़गांव के विधायक सुधीर सिंगला भी मौजूद रहे। इस मौके पर इलाके के ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। वहीं उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग तथा नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने भी पुष्प गुच्छ देकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा राव इंद्रजीत सिंह का स्वागत किया। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने बस में बैठकर खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास से द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति का जायजा लेना शुरू किया। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनको बताया कि इस एक्सप्रेसवे के हरियाणा में पड़ने वाले हिस्से का लगभग 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि उनके निरीक्षण से द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को गति मिलेगी। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल 29 किलोमीटर लंबाई में से 23 किलोमीटर एलिवेटेड है तथा 4 किलोमीटर की दूरी में टनल का निर्माण होगा। एलिवेटेड भाग में 8 लेन का फ्लाईओवर सिंगल पेयर पर बनाया जा रहा है, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला निर्माण है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज।